दोस्तों ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल शिवा एस्ट्रोलॉजी पर। मंगलवार की रात 5 काली मिर्च यहां पर जला दें, बड़े से बड़ा दुश्मन भी घुटने टेक देगा और हाथ जोड़कर माफी मांगेगा। दोस्तों काली मिर्च का प्रयोग जीवन की हर मुश्किलों से बाहर निकालता है, खास करके शत्रु विरोधियों को शांत कर देता है। कभी कभी तो इतना ज़्यादा परेशान करते हैं शत्रु कि आप हार जाते हैं। अब ऐसे में क्या करें कि सब कुछ बेहतर हो जाए, क्या करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। आज हम काली मिर्च की बात करेंगे। देखें काली मिर्च अगर हम ज्योतिष की माने तो इसके बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, टोटके किए जाते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है, आपके किचन में होगी और अगर भोजन में इसका प्रयोग करें तो आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, नकारात्मक ऊर्जाएँ और शक्तियाँ दूर रहती हैं, घर में शुभ और अच्छे वातावरण का प्रवेश होता है, भाग्य को बदल कर रख देता है ये काली मिर्च। दोस्तों शुभ और अच्छे वातावरण मिलते हैं। मान्यता अगर आपके ऊपर शनिदेव की साढ़े साथी ढैया परेशान ज़्यादा करे तब आपको मंगलवार के दिन काले कपड़े में या लाल कपड़े में थोड़ा सा काली मिर्च को बांध करके और सिक्के रख दें और लाल धागे के सहारे बांध कर किसी भी धन पेटी या फिर किसी भी को दान कर दें या फिर पीपल के नीचे या फिर आप किसी हनुमान जी की मंदिर के सीढ़ी पर रख दें तो भगवान बजरंग बली का आशीर्वाद भी मिलेगा और शनिदेव के प्रकोप से मुक्ति मिलेगी। तो ये तो थे सिंपल से प्रयोग, इसको आप कर सकते हैं, रोजी रोजगार की समस्या भी दूर होगी और जीवन के बहुत सारी परेशानियों से बाहर निकल आएंगे। कई बार क्या होता है कि आप दिन ब दिन उलझते चले जाते हैं किसी न किसी चीज़ में, कभी बीमारियों में परेशान रहते हैं, कभी धन की समस्या, कभी रुपये पैसे की समस्या, कभी पारिवारिक टेंशन, बहुत तरह की जीवन में टेंशन होते हैं। अब ऐसे में आप मान लेते हैं कि आपके पास बहुत सारी टेंशन है, आप परेशान हैं, क्या करेंगे? बहुत सिंपल सा काम करना है, मंगलवार के शाम काली मिर्च के 5 दाने लेने हैं। अब उनको आप अपने सर से 7 बार उल्टे बार लें, अपने घर में ही ये काम कर लें। अब इसको किसी चीज़ में रखकर कागज वगैरह में आप किसी भी ऐसे स्थान पर ले जाकर खड़े हो जाइए जहाँ चौराहा हो आपके आसपास, तो वहाँ चले जाइए। अगर आपके आसपास चौराहा है तो वहाँ पर चले जाएँ, ऐसे स्थान पर चले जाएँ जहाँ पर लोग टोके नहीं, देखे नहीं, रोके नहीं। ज़्यादा सुनसान जगह पर मत जाइएगा। अब आपका जो फ्रेश यानी कि फेस है, मुख है, पूर्व में हो या फिर उत्तर दिशा में हो, वहीं पर खड़े होकर एक 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 करके 4 काली मिर्च चारों दिशाओं में फेंक दें। जो 5वां बच गया है काली मिर्च उसको आपको आसमान की तरफ फेंक देना है और वापस आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिए। आकस्मिक धन लाभ के योग बनेंगे, जीवन के बहुत सारे परेशानियों से आप बाहर निकल आएंगे। आज हम आपको शत्रु मुक्ति के लिए एक छोटा सा उपाय बताएंगे, बहुत सिंपल सा है। देखें काली मिर्च आपको लेने हैं 7, याद रखिएगा 7 काली मिर्च। अगर शत्रु ज़्यादा परेशान करे, अपने हो या फिर पराए हो, कोई भी हो, शत्रु शत्रु है, एक है, हजार हैं, सबका नाम लीजिएगा, तो आपको 7 काली मिर्च लेना है। अब आप चाहें तो 11 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको आप किसी भी भारी वस्त्र से दबाकर उसको हल्का सा कोच के पाउडर बना ले, मार्केट वाला पाउडर मत लेकर आइएगा। आपको साबुत काली मिर्च लेकर ही किसी भारी वस्त्र से दबाकर उसको हल्का सा दबाकर दरदरा कर लें, पीस लें। अब इसको क्या करें, हनुमान जी का जो सिंदूर होता है, हनुमान जी का जहाँ पर मंदिर है, तो दाहिने पैर का सिंदूर लेकर आएँ और इसमें आपको लगा देना है और लगा करके फिर आप ले जाकर मंगलवार के दिन अब यहाँ पर आपको हनुमान जी बजरंग बली के ऊपर अर्पित कर देना है, चढ़ा देना है और शत्रुओं से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना भी करना है आपको भगवान बजरंग बली से। यकीन मानिए शत्रु शांत हो जाएंगे। आपको 3 मंगलवार आपको ये करना है, यकीन मानिए बहुत सिंपल सा उपाय है, आपको लाभ मिलेगा, आपको सिंदूर आसानी से मिल जाएगा। भगवान बजरंग बली के कहीं पर भी आसपास मंदिर है वहां से लेकर आइए, उनके दाहिने पैर का सिंदूर इसमें लगा करके आपको जाकर चढ़ा देना है मंदिर पर। अगर आपके घर में मंदिर है तो घर पर ही ये काम कर सकते हैं और फिर आपको प्रार्थना भी करना है। दोस्तों ये प्रार्थना कभी भी आपकी अस्वीकार नहीं होती है, स्वीकार कर लेते हैं भगवान बजरंग बली। अब कई बार क्या होता है, चूँकि बहुत सिंपल है, अब होता क्या है कि आपके पास जैसे कि सिंदूर ना मिले तो आपको डायरेक्ट हनुमान जी के मंदिर पर ले जाकर भी आप चढ़ा सकते हैं, इतना काम करें। तो नकारात्मक ऊर्जाएँ अगर आपके घर में बढ़ गई है, घर में टेंशन है, परेशानी है, पैसे नहीं आते हैं, तो ये प्रयोग करें, बहुत सिंपल सा है, आपकी उलझनों को भी दूर करेगा, शत्रुओं को भी शांत रखेगा। आपके जीवन में अगर कोई भी रास्ता नहीं मिल पा रहा, आप दिशा भटक गए हैं, फिर आपको लगता है जैसे लक्ष्यहीन हो गए हैं, चाह कर भी आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तब एक सिंपल सा काम कीजिए, आपको चाहिए होगा एक कागज और अगर आपके पास भोजपत्र है
तो और भी अच्छा है। अब इस भोज पत्र या फिर कागज पर सफेद कागज ले लीजिएगा। अब इस पर कागज के ऊपर काली स्याही के सहारे शत्रु का नाम लिखिए। अब लिखने के बाद थोड़ा सा आपको शहद उसमें लगा दीजिए जहां पर शत्रु का नाम लिखा हुआ है। इसके बाद आपको काली मिर्च के 7 दाने रख दें। अब इस कागज को जैसे मर्जी वैसे जला दें। यह प्रयोग आपको शत्रुओं को अपने जीवन में हमेशा हमेशा के लिए दूर कर देगा। यह प्रयोग आपको मंगलवार के दिन करना है। मंगलवार की रात्रि को करें तो ज्यादा अच्छा है। आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए शत्रु भाग जाएंगे। ये बहुत ही अद्भुत है। तो शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए यह प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक और अद्भुत है। इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा होता है। कई बार क्या होता है कि ऐसे लोग शत्रु होते हैं जिनको न तो आप छोड़ सकते हैं और ना ही पकड़ कर रख सकते हैं। आप फंस चुके हैं, यहाँ पर ज्यादा ज्यादा परेशानी हो जाती है, आफत आ जाती है। तब एक सिंपल सा काम करें, आपको चाहिए होगा 5 काली मिर्च के दाने और आपको लाल धागा। 5 काली मिर्च ले लें और धागे के सहारे बांधकर इसका माला बना ले और ले जाकर बजरंग बली को अर्पित कर दें। सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होगी, शत्रु विरोधी भी शांत हो जाएंगे। यकीन मानिए बहुत ही लाभकारी रहेगा यह उपाय। दोस्तों आप क्या करते हैं कि रोजाना अपने घर में दीपक तो जलाते ही हैं, तो मंगलवार के दिन जब दीपक जलाएं तो दीपक में आप 1 काली मिर्च या फिर 5 काली मिर्च जरूर डाल दें। अगर आप ये नियम रोजाना बना लेते हैं, क्योंकि दीपक तो आप रोजाना डालते हैं या जलाते हैं, तो इसमें 5 काली मिर्च डाल दें, आपके व्यापार भी चलेगा, घर से नकारात्मक ऊर्जा भी दूर हो जाएगी और कोई व्यापार में असफलता नहीं मिलेगी, कोई ना कोई डील आपकी होती रहेगी और नौकरी लगेगी। विवाह संबंधी जो बच्चों की बातें चलती रहती है, जमीन प्रॉपर्टी बातें चलती रहती है, वो सब क्लियर हो जाएगा और सफलता तो आपके कदमों पर रहेगी। कोई भी मुसीबत यानी कि नहीं आएगी। सबसे पहले आपके कार्य बनेंगे, कोई भी कार्य जो आपका अधूरा है सब कुछ बन जाएगा। तो इस प्रकार से ये उपाय करें, बहुत ही लाभकारी है। एक छोटा सा उपाय और करें, अगर आपके घर में किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा किसी ने तंत्र मंत्र के टोने टोटके करा रखे हैं, तो आपको क्या करना है कि काली मिर्च के दाने ले लेने हैं, जितने मर्जी हो, 5, 7, 11, 20, और फिर आप अपने सर से 3 बार उल्टी बार के और अपनी मनोकामना बोलते हुए अपने घर के बाएं तरफ दरवाजे के बाएं तरफ फेंक दें, या फिर किसी तिराहे पर ले जाकर फेंक दें। बहुत ही लाभकारी और बहुत ही चमत्कारिक होगा। धन प्राप्ति का एक अचूक उपाय और बताता हूँ। दोस्तों एक लाल कपड़ा लीजिएगा और 1 मुट्ठी आप काली मिर्च इसमें रख दीजिएगा, इस लाल कपड़े में, और हनुमान जी के मंदिर में ले जाकर हनुमान जी को आप मंगलवार की शाम को आपको चढ़ा देना है, उनके चरणों के पास रख दें। घंटा दो घंटा पूजा पाठ करके सुंदरकांड का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें 7 बार। इसके बाद फिर आप इस पोटली को ले आकर, काली मिर्च की जो पोटली है इसे ले आकर धन के स्थान पर रख दें, जहां रुपया पैसा रखते हैं। दोस्तों आपके घर में कभी भी गरीबी नहीं आएगी, निर्धनता दरिद्रता नहीं आएगी, धन हमेशा बना रहेगा। तो इस प्रकार से ये उपाय करें, बहुत ही लाभकारी है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक करिएगा, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय बजरंगबली।